देखिए एसएसबी हमारी जो टीम है यहाँ पे और जो 32 बटालियन है जिसके कमांडेंट दीपक सर हैं, इनको बड़ी एक पुष्ट सूचना थी कि नक्सलियों का मूवमेंट जो है हमारे पीरी बाजार थाना क्षेत्र के वही कोडासी साइड में होने वाली है। इसको लेके लखीसराय पुलिस और एसएसबी की टीम की एक टीम बनाई गई। इसमें जो हमारे यहाँ के जितने भी असिस्टेंट कमांडेंट हैं और दीपक सर के नेतृत्व में, और टीम को हम लोगों ने जो घोगी कोडासी का एरिया है वहाँ पे सर्च ऑपरेशन और एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए भेजा था, उसी क्रम में आज सुबह जो है जो बालेश्वर कोड़ा है, एरिया कमांडर है, और अर्जुन कोड़ा है, इनकी टीम जो है उधर से गुजर रही थी। और उन्होंने जब हमारी टीम को का सामना हुआ उनके साथ, तो उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी हमारी टीम पे, और उसमें जो हमारी टीम एसएसबी की टीम है उन्होंने जवाबी फायरिंग की, जिसमें दो जो है नक्सली, एक का नाम जगदीश कोड़ा है और एक का नाम है वीरेंद्र कोड़ा, इनकी मृत्यु हुई है। दोनों का आपराधिक इतिहास, बृहद आपराधिक इतिहास है इसमें, जो तीनों जिला लखीसराय, मुंगेर और जमुई जिला में इनका आपराधिक इतिहास है, और इन दोनों की मृत्यु हुई है। उसके अलावा जो हमारे यहाँ एसएलआर राइफल की बरामदगी हुई, जो संभवतः पुलिस के द्वारा ही लूटी गई है, उसके अलावा एक पिस्टल भी बरामद हुई है, 170 लाइव कार्टरेज भी बरामद हुआ है, वॉकी टाकी भी बरामद हुआ है, और एक आईडी भी बरामद हुआ है। उसके अलावा और भी अन्य सामान जो डेली यूज के होते हैं वो भी सामान बरामद हुए हैं। तो एक बहुत अच्छी कामयाबी हमारी एसएसबी जो 32वीं बटालियन है, डीआईजी साहब और कमांडेंट एसएसबी 32वीं बटालियन दीपक सर के नेतृत्व में मिली है हमें। मैं इन सभी को बधाई देता हूँ, हमारी लखीसराय पुलिस के भी जो टीम इसमें इन्वॉल्व थी उन सभी को भी बधाई देता हूँ। सर, लगातार गतिविधियाँ इस इलाके में इस तरह से आगे कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जैसा लगातार जो गतिविधि की आप बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हम लोगों को लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन में सफलता भी मिली है। पिछले एक सालों में ये तीसरा एनकाउंटर है, उसके अलावा कई नक्सलियों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो उनकी गतिविधियों पे हमारी पूरी नज़र रहती है। हमारा जो यहाँ पे सेटअप है, जिसमें एसएसबी की टीम है, अभियान दल है, एसटीएफ की टीम है, वो लगातार बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सारी इनपुट्स पे काम करती रहती है, और जो इनपुट्स पे काम करती रहती है, और जो नक्सलियों को हम लोग कैसे बैकफुट पे रखें उसके लिए लगातार ऑपरेशन चलता रहता है, और उसी का नतीजा है कि आप देखेंगे कि नक्सली लगातार बैकफुट पे ही रहते हैं, और उनको काफ़ी हानि का भी सामना करना पड़ा है इतने दिनों में, तो और ये आगे भी जारी रहेगा। और सबको सर पुरस्कार प्रोत्साहित किया जाएगा? सर देखिए, जो भी टीम है, जो भी टीम में शामिल है, वो उनके लिए हम लोग जो है जो गैलेंट्री अवार्ड है के लिए हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे। ये पूरी तरीके से सारी जो टीम के हमारे जो मेंबर इन्वॉल्व थे, ये गैलेंट एक्शन ही है। इसमें बहुत ही बहादुरी से लोगों ने सामना किया, काफ़ी गोलियां चली है उधर से भी, लगभग 3 घंटे तक फायरिंग हुई है नक्सलियों की तरफ से, लगातार उनकी तरफ से फायरिंग चली है। तो बहुत ही गैलेंट एक्शन है, हीरोइक एक्शन है, और उसके लिए हम लोग गैलेंट्री अवार्ड के लिए प्रस्ताव भेजेंगे भारत सरकार को। क्या लगता है सर, कुछ बड़ी घटना को अंजाम? देखिए, उनकी प्लानिंग तो रहती ही है, लेकिन हमारा काम है कि उनकी प्लानिंग को निस्तानबूत करना। वो उसी में हम लोग लगातार काम करते रहते हैं, और हमें सफलता भी मिली है। तो उनकी प्लानिंग जो भी थी उसको हम लोगों ने निस्तानबूत किया है।